बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ है। इसकी भी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास, स्पेशली जो मेरे कुलीग हैं फॉर्मल जो पैरे मेरे साथ थे, और कुछ दोस्तों ने भी इसकी फरमाइश की थी कि आप इसको ज़रा फंडामेंटली और टेक्निकली एनालाइज करें। तो फंडामेंटली तो मैं पहले ही बताया कि मेरी ग्रिप इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है फंडामेंटल्स पे, तो मैं मुख्तलिफ जो ऐप हैं या वेबसाइट हैं उनसे मैं ये डाटा कलेक्ट करके आपके साथ शेयर करता हूं। तो रिसेंटली अभी मैंने आज ही के दिन इसका फंडामेंटल जो भी है मैंने आपको शेयर किए हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा और मैं आपके साथ ये भी थोड़ा शेयर कर दूँ, इस चार्ट के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसकी फाइनल जो आई थी फाइनल रिपोर्ट, उसमें जो इसकी करंट अर्निंग थी वो थर्ड क्वार्टर का है ये, 2 रुपए 6 पैसे अर्निंग थी, ठीक है, 33 पैसा क्वार्टर की अर्निंग थी, और फुल ईयर की सब मिला के ये 2 रुपए 6 पैसे बन रही थी। इसके बाद फाइनल ईयर में जो है 9 पैसे का लॉस आया, तो ये 9 पैसा इसमें से माइनस हुआ 2 रुपए 6 पैसे में, तो ये 1.97 अर्निंग रह गई, ठीक है। अब इसके बाद जब जैसी बात है फाइनल ईयर खत्म, अब ये क्वार्टर शुरू हो गया, क्वार्टर में इसकी अर्निंग आई है 0.87, तो यहाँ तो ये 0.87 करंट अर्निंग शो कर रहा है, लेकिन जो 2 रुपए 6 पैसे अगर हम ऐड करेंगे वो सॉरी 1.97 ऐड करेंगे, तो ये तकरीबन 2.5-3 रुपए के करीब ये बनता है, 2 रुपए 80 पैसे, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा। तो ये तो मैंने थोड़ा फंडामेंटल में और उसको थोड़ा आपको एक्सटेंड करके बता दिया है। अच्छा, अब आ जाते हैं टेक्निकल की तरफ, क्योंकि ये वीक क्लोज हुआ है, तो मैंने ये वीकली चार्ट लिया हुआ है, और वीकली चार्ट पे सबसे पहले तो आपको मैं सीपीआर बता दूं। सीपीआर का जो अपर लेवल है 79.82, ठीक है, जिसको इसने ये यहाँ पे ये 3 जून को रीटेस्ट किया था, और इसके बाद फिर ये एक बहुत बड़ी हमने यहाँ पे ये बेरिश कैंडल भी देखी, मतलब ये रिजेक्शन एरिया है 79। अगर हम इसकी नेक लाइन ले लें, इसकी ये वाली कैंडल की जो बुलिश कैंडल बनी थी 27 मई को, ठीक है ना, ये हम ले लेते यहाँ पे थोड़ा सा इसको, ये टू बी ऑन द सेफ साइड ये वाला, ठीक है, इसको मैं जो है ये रेड कलर दे देता हूं, ठीक है। ये आ गया इसका रेजिस्टेंस एरिया 78 to 79, मतलब 78 से लेके 80 रुपीज तक भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी वीकली पे जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और अगर हम इसको थोड़ा सा और इसमें इसको जूम इन करके एक्सपेंड करके आपको यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी बता देता हूँ, ठीक है। इसी की हम बॉडी लेंगे और ये बॉडी लेंगे, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया भी आ गया है। तो ये मतलब समझे, ये नेक लाइन रेजिस्टेंस है 78 27, फिर 79, फिर ये और स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ से, मतलब एटलीस्ट मैंने यहाँ पे 79 82 रखा हुआ यहाँ पे, तो एटलीस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे वैसे अगर हम देखें तो अगर ये पूरा साइकिल कंप्लीट करके आएगा, तो ये सीपीआर का अपर लेवल ही जो है इसका यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ जाएगी, इसकी सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी, तो एटलीस्ट 80 रुपीज को सस्टेन करता है तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं फॉर फर्दर अपसाइड, ठीक है। अच्छा, डाउन साइड पे अगर हम देखें तो इसका वीकली पे आ रहा है 43 है, ओवरसोल्ड जोन में जो है एंटर होने वाला है, 40 के नीचे या 40 पे भी आ जाता है तो ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है, और डेली पे ये ओवरसोल्ड जोन में है, 37 या 38 के अराउंड जो है इसका RSI है। तो अभी देखें इस पर डेली पे भी जो है ये यहाँ पे ये 68.15 पे रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 ये यहाँ पर भी गया है 68.51, मतलब 68 के अराउंड जो है ये रेजिस्ट कर रहा है स्टॉक जो है। अच्छा, और इसका जो मैं वीकली पिवोटल मैंने निकाला है वो 71.57 है, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, ये सस्टेन करता है तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, जो गेन मिलेगा आपको तकरीबन 3 से 4 रुपए का गेन मिल सकता है यहाँ से, 75 तक भी स्टॉक जा सकता है, और इवन वापिस ही 78 भी ये रिटेस्ट कर सकता है, तो मतलब ये आपको यहाँ से तकरीबन 3 से 7 रुपए 8 रुपए यहाँ से ही आपको गेन यहाँ से मिल सकता है, अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं 65 पे, जो अभी इसने डेली पे इसका लो किया था 12 जुलाई को, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए थे, ये शो करते हैं ना, ये शो करता है यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए हैं, देखें इस लाइन पे यहाँ पे भी सेलर एक्टिवेट हुए, फिर यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए, तो हो सकता है जिस तरह यहाँ पे इसने डबल टॉप किया तो ये डबल बॉटम भी लगाए 65 के अराउंड, तो ये यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं,
क्योंकि अभी इसका हाफ ईयर रिजल्ट आएगा, एक्सपेक्टेशन अच्छी है क्योंकि देखिए इसकी ग्रोथ जो है वो होती जा रही है धीरे धीरे। ऑल दो अगर देखें तो इसके जो प्रॉफिट और मार्जिन बहुत कम है, मैंने शेयर किया आपके साथ, और पे आउट रेशियो कोई भी, इसका पे आउट हिस्ट्री कोई भी नहीं है, तो इसका रेशियो भी नहीं निकल रहा ठीक है, और इसका पी रेशियो भी इसी वजह से बहुत हाई है क्योंकि जो मार्केट की जो प्राइस है वो काफी हाई है, और इसका अगर हम देखें तो उसमें तो दिया हुआ है 61 के अराउंड फेयर वैल्यू, लेकिन 63 पे भी अगर यह मिलता है तो इसको यहाँ मजीद और ऐड कर लेना चाहिए ठीक है। यहाँ पर भी मैं जहाँ से इसने ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया था, या हैमर डोजी कह लेते हैं मॉर्निंग स्टार का, ये वाला एरिया जो है ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। अगर यहाँ पर भी आता है तो मजीद ऐड कर लेना चाहिए ठीक है। 63, 64 ये जो है, यहाँ पर मैं एक और ये, क्योंकि स्क्रीन में हमारे पास समझे इसका एरिया ऑफ वैल्यू आ गया, मैं यहाँ से अगर लूँ उसकी सपोर्ट यहाँ से, ये ठीक है, ये एरिया ऑफ वैल्यू आ गया हमारे पास, तो ऑब्वियसली यहाँ से ओवरसोल्ड, मतलब टेक्निकली देखें फंडामेंटल जो भी हो, टेक्निकली अगर ओवरसोल्ड में जाता है तो ऑब्वियसली रिस्क लेना चाहिए डाउन साइड पे विथ स्टॉप लॉस ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 57 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ठीक है, यहाँ पर देखें काफी दफा ये यहाँ पे ये एक्यूमुलेट किया, फिर ये यहाँ से फिर मजीद अपसाइड अप हमने यहाँ पे देखा है, बल्कि ये इसने हाई जो किया था 104 का हाई किया था। अच्छा अब हम डाउन साइड पे भी थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे हम एक और ट्रेंड लाइन बना लेंगे, हम इसी को इसी की यहां से बॉडी ले लेंगे ठीक है। ये देखें यहाँ पे कई दफा इसको ब्रेक किया ब्रीच करके फिर ऊपर, यहाँ पे कई दफा ये कंसोलिडेट करें या एक्यूमुलेट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर इसने इसको ये ब्रेक कर दिया, तो ये किस वक्त मैं यहाँ पे भी लाइन बना देता हूँ एक, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आप अपने टारगेट जो है वो सेट कर सकें ठीक है। ये वाला एरिया ये रेजिस्टेंस एरिया है, अगर आप थोड़ा ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहते, स्विंग ट्रेड नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से जिस समय मैंने आपको बताया कि आप इस लेवल में बाय करके 68 आपके पास एक टारगेट आ गया, 71 पे भी 12 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये एक टारगेट आ गया, ये डेली बेस पर है तो डे ऑन डे बेसिस पे आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं, रिजेक्शन नहीं आती और यहीं पे एक्यूमुलेट कर रहा है, तो फिर आप अगला टारगेट 73 का भी कर सकते ले सकते हैं 73, 74 के दौरान, और इवन ये जो 74 मैंने बताया यहाँ पे भी इसको रिटेस्ट कर सकता है, यहाँ से बॉडी बन सकती है, यहाँ से फिर विग बनेगी फिर नीचे आएगा तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं अपर साइड पे। तो ये आपके पास जो है वो टारगेट्स होंगे, जिस तरह मैंने नीचे के बाइंग के आपको टारगेट्स बताए हुए हैं तो सेल के भी टारगेट्स बताए हुए हैं। अच्छा अब अगर इसको हम थोड़ा सा देखें तो ये फॉलिंग वेज बना रहा था डेली पे, देखें ये यहाँ पे देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दूं, देखें कि फॉलिंग वेज यही होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये हाई आ रहा है यहाँ पे स्टॉक बना रहा हो ठीक है, और इसी के साथ जो है हाई लो भी बना रहा हो ठीक है, लेकिन उसमें ये होता है एक वो तो एक चैनल पे चल रहा होता है ना, तो लेकिन इसमें ये होता है कि यहाँ पे हायर लो के साथ ही यहाँ पे एक्यूमुलेशन जिस तरह शुरू हो गई, तो यहाँ पे मतलब समझे इनडिसाइसिव एक तरह से, हम मैं वैसे तो ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन ही कहेंगे डाउन साइड पे, लेकिन जब ये नीचे ब्रेक करेगा तो इसको हम यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं और इनडिसाइसिव भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सेलिंग भी आ रही है यहाँ पे, थोड़ी बाइंग आ रही है, लेकिन ज्यादातर इस एरिया पे बेरिश कैंडल बन रही थी तो सेलिंग आ रही थी, और यहाँ पे देखें दो एक दफा तो ये समझे ये शूटिंग स्टार बना, एक तो ये निशान एक तो ये सिग्नल दे रहा था, मैं आपको थोड़ा सा और इसको जूम इन करके बता दूं कि सबसे बड़ी निशानी तो ये थी, यहाँ पे देखें शूटिंग स्टार हुआ था, तो शूटिंग स्टार अपर साइड पे भी बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन लोअर साइड पे शूटिंग स्टार जो है थोड़ा अपोजिट काम करता है बाज औकात, ये मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार बनता है या इन्वर्टेड हैमर बनता है तो इसकी कंफर्मेशन बहुत जरूरी होती है अपसाइड के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती तो ये मजीद अपसाइड दिखाता, लेकिन देखिए बुलिश कैंडल नहीं बनी, एक फिर अगेन ये स्पिनिंग टॉप की तरह एक डोजी बना, फिर देखेंगे हम इसकी जो है निगेशन हुई और ये नीचे साइड पे बना ठीक है। हमेशा याद रखें अगर कोई शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर डोजी बनता है तो इसमें ये ग्रेव स्टोन डोजी भी कर सकते हैं, बहुत इसके नाम है,
आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो जो कैंडल जो जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि यहां से रिजेक्शन आ रही है और यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, यहाँ पे मतलब इंडिसाइसिव हो रहा है, यहाँ पे बायर और सेलर जो है दोनों इंडिसाइसिव है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है सिंपल। ठीक है, तो ये एरिया जो है एक खतरनाक एरिया है अपर साइड पे, जिस तरह मैंने आपको बताया 24:12 है सीपीआर के हिसाब से, लेकिन यहाँ लेकिन इसके ऊपर से ये रिजेक्शन शुरू हो जाती है 74 के ऊपर से। तो एक तो ये हुआ, फिर इसके बाद अगेन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। कंफर्मेशन क्या होती है? कंफर्मेशन ये होती है कि ये जो रिजेक्शन एरिया था ना, इसको एनगल्फ कर देता, एक बुलिश कैंडल अगर कर देती तो इसमें मजीद अपसाइड दे सकते थे, क्योंकि जहां से रिजेक्शन आई थी वहां से अगर इसको ये पूरा एरिया जो है एक ऐसी कोई कैंडल बन जाती, ठीक है, जिसकी बॉडी बहुत बड़ी होती, इसके बराबर होती है, इसकी बड़ी इसको एनगल्फ कर मतलब इसको पूरा कवर कर लेती एक बॉडी इसकी पूरी, तो फिर इसमें मजीद अपसाइड दे सकते, लेकिन बॉडी ने कवर नहीं किया, बुलिश बॉडी ने, और यहाँ मार्केट इंडिसाइसिव रही और आपने देखा इसको ब्रेक करके फिर नीचे आ गई। तो इस तरह इसका ये फॉलिंग राइजिंग वेज बन रहा था इसी वजह से ही। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखें ये एक तरह से ये स्पिनिंग टॉप हम इसको बोलते हैं, यहाँ पर भी ये बना, तो ये यहाँ पे ये डोजीज बन रहे एक तरह से देखें तो, छोटी छोटी कैंडल थी और डोजीज बन रहे थे। बहरहाल वीडियो लंबी हो जाएगी, मतलब कहने का ये जो टेक्निकल समझना चाह रहे हैं उनको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फॉलिंग वेज जो है एक बेरिश पैटर्न है, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत बुलिश तब हो जाता है जब इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन होती है तो काफी अच्छा ये मतलब बहुत अच्छी रैली बनाता है इसके बाद। ये इसकी दो तीन मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ, बिटकॉइन की भी मिसाल दे चुका हूँ, उसमें भी फॉलिंग वेज के सॉरी राइजिंग वेज के ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छी रैली बनी थी। अच्छा थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लें और ये क्लियर कर देते हैं मार्क। अब हम आ जाते हैं वीकली पे वापस। अच्छा वीकली का जो है मैंने ये निकाला है, देखें वीकली पे यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है, तो यहाँ पे पहले ये मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूँ, यहाँ पे अगर देखें तो जब इसने ये यहाँ जब इसका लो किया था 52 का, तो ये कि ये रिजेक्शन एरिया साबित हो रहा था। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर कैंडल बन रही थी, ये भी बन रहा था, लेकिन आगे जाके फिर डोजी बन रहा था, यहाँ पे काफी है, मतलब समझिए इसके ऊपर अपसाइड मजीद हम देख नहीं पा रहे थे, कैंडल बन रही थी, रिजेक्शन आ रही थी बार बार, ये थोड़ा डोजी देखें, ये भी ब्रेकआउट हुआ, डोजी नहीं बन रही थी, एक कैंडल बड़ी बननी चाहिए अच्छी बॉडी के साथ, तो वो बन नहीं पा रही थी, यहाँ पे वही रिजेक्शन आ रही थी, प्रॉफिट टेकिंग, फिर वही एक बेरिश कैंडल ने इसको निगेट किया, वापस मार्केट नीचे आई। इसी तरह वही अपसाइड पे ये ब्रेकआउट हुआ, फिर बेरिश कैंडल ने निगेट किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बुलिश कैंडल बनी, फिर बेरिश कैंडल ने निगेट किया, तो एक इस तरह से वीकली पे इसका ये पिविटल पॉइंट है, ये इसको मैंने इसको पिविटल पॉइंट इसको जो है मार्क किया है इसी वजह से। अगर आप इसको पिविटल पॉइंट स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो ये आपको पिविटल पॉइंट स्टैंडर्ड पे कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, हो सकता है शायद आवली डेली पे इसकी सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, लेकिन इसको मैंने प्राइस सेक्शन के हिसाब से इसको लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काफी ये रेजिस्ट करता रहा है। अब देखें मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ असल में, यहाँ रिजेक्शन आई, यहाँ क्लोजिंग आई इसी एरिया पे, और फिर ये ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद देखें कोई बेरिश कैंडल कोई डोजी नहीं बना, और नेक्स्ट वीक में फिर एक बड़ी कैंडल बनी, फिर एक छोटी कैंडल मतलब छोटी सी मतलब इसको भी हम कैंडल ही कहेंगे, यहाँ पे बाय एक्टिवेट हुए थे 83 पे, और फिर देखें यहाँ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई, यहाँ पे 104 के अराउंड यहाँ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमने देखी हैवी सेलिंग के साथ, फिर इस एरिया के बाद आप देखें ये नीचे आता रहा है। तो बहरहाल समझाने का मकसद ये है कि आप जो सिग्नल जरा देखा करें और ब्रेकआउट के बाद एग्रेसिव नहीं हो जाया करें, किसी भी चीज का ब्रेकआउट मिलता है और ब्रेक डाउन भी होता है तो भी एग्रेसिव ना हो। देखो यहाँ ब्रेक डाउन हुआ तो हो सकता था कि यहाँ ब्रिटिश कैंडल बनती है, फिर ये ब्रेकआउट कर जाता अपर साइड पे भी। अब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो अब जो है टारगेट जो है आपको मैंने आपको बता दिए हैं, डाउन साइड के टारगेट 65 to 63 ये टारगेट्स हैं, 66 समझ लें, 65 कर इसको हम ले लें, 66-38 इसका अगर ये इसकी जो है ओपनिंग जो है वो तकरीबन 66, ये वाली कैंडल में जो ले रहा हूँ उसके ओपनिंग तकरीबन 66 बन रही है, तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, तो इसको आप लेके होल्ड भी करें, नीचे आए तो मजीद आप एड कर सकते हैं, अगर नीचे आता है तो अगर इसको लेके आते हैं तो मजीद इसे होल्ड करें, तो ये एरिया आपका मतलब सेफ रहेगा, या वापस आके इसको जरूर रिटेस्ट करेगा, एटलीस्ट ये एरिया पे आके रिटेस्ट करेगा तो ब्रेक इवन पे भी आप रहेंगे इंशाल्लाह। तो मजीद अपसाइड के लिए तो मैंने आपको जैसे बता दिया है, अभी इसका जो कम से कम एटलीस्ट एटलीस्ट जो है ये अगर ये मिडिल बैंड को जो है
सस्टेन करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छी उम्मीद है आने की, अगर कोई पे आउट देता है तो ऑब्वियसली इसका ब्रेकआउट भी होगा और अच्छी रैली भी बनाएगा ये स्टॉक। लेकिन अभी फिलहाल जो है अभी कोई चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसका अभी तक तो कोई पे आउट हिस्ट्री इसकी रही नहीं है। तो टेक्निकली है, आप ऑब्वियसली इसको ले सकते हैं क्योंकि ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन में है, तो इसको आप जरूर इसको कंसीडर करें। और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी मैं आपको, चले एक मेरे पास ड्यूरिंग एनालिसिस एक और ये मेरे पास लेवल आ गया है प्राइस एक्शन के हिसाब से, इसको भी ये रीटेस्ट कर सकता है। इसको भी मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ क्योंकि देखिए रोल ओवर वीक चल रहा है और ये स्टॉक में वॉलिटिलिटी बहुत रहती है, ठीक है ना। ये देखें बड़ी बड़ी वीक बनती है, यहाँ पे भी बड़ी वीक बनी, यहाँ पे भी एक ये वीक बनी, तो हो सकता है यहाँ पे भी कोई एक बड़ी वीक बन जाए। तो यहाँ पर भी 61 पे भी आप जो है जिसे हम कहते हैं लिमिट लगाना, आप यहाँ पे बाय की लिमिट लगा के रख सकते हैं। यहाँ पे वो वीक बनती है तो आपको मतलब समझे फॉरन इंस्टेंट गेन जो है यहाँ तक का मिल सकता है, 63 तक का, 2 रुपए से 3 रुपए तक, बल्कि 4 रुपए तक भी यहाँ से ये गेन मिल सकता है। और 61 ही का जो मैंने आपको बताया था इसकी फेयर वैल्यू उधर बता रहा है, उसमें आप देख लीजिएगा फंडामेंटल में, तो ये इसी के अराउंड 61 के अराउंड, अगर मैं प्राइस एक्शन यहाँ ले लूँ 61 के अराउंड, 1694 आ रहा है तो 61 के अराउंड जो ये हो सकता है कि अपने आपको रिटेस्ट करे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।